15 दिन में आंसर की आ जाएगी ऑफिशियल, जो भी आप यूट्यूब पे या अपनी मर्जी से या जैसे भी देख रहे हैं कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा बहुत अंतर आएगा। CDP में कोई अंतर बड़ा आपको दिखने को नहीं मिलेगा, माइनर सा कोई डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। हाँ, थोड़ा बढ़ना चाहिए कायदे में, बाकी थोड़ा बहुत घटेगा भी, ऐसा नहीं है कि हमेशा बढ़ेगा ही। नेक्स्ट सीटेट कब आएगा ये अभी कुछ भी कहना इस बात पे आसान नहीं, बट दिसंबर में आना चाहिए कायदे में। हो सकता है सिलेबस चेंज हो, क्या है कुछ पैटर्न में चेंज हो, बट अभी तक कोई भी इस पर सूचना है नहीं। तो दिसंबर में जनरली होना ही चाहिए, जनवरी के बाद जुलाई, फिर जुलाई से दिसंबर, साल में 2 बार होता है। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो उसकी तैयारी भी अपना करें, और D+ भी या जिसकी भी वैकेंसी आती है तो मैं बताती हूँ। थोड़ा सा मेहनत हमें एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है, थोड़ा पहले से। पेपर ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल पेपर है या आप बिल्कुल कर नहीं पाएंगे, जस्ट टाइम टेकिंग है, और उसके लिए आपको सिलेबस अच्छे से पढ़ना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी प्रीवियस ईयर की सिर्फ, और निकल जाएगा। बट थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि बस पढ़ा और जाके बस कुछ भी कराए, क्योंकि लैंग्वेज का प्ले थोड़ा सा है, और वो भी स्टूडेंट या लर्नर जो एस्पिरेंट है, जो पेपर देने गया है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात मैं कह रही हूँ। अदरवाइज़ वैसे पेपर एकदम नॉर्मल है, ठीक। अब वैसे क्या मतलब, अब मैं पढ़ा और पढ़ा रही हूँ 3 साल से, तो मैं तो कहूँगी कि भाई नॉर्मल, लेकिन इन जनरल अगर हम देखें हर एक बच्चे के लिए, क्योंकि मुश्किल का मतलब सिर्फ टॉपर्स के हिसाब से आसान या बिल्कुल वीक बच्चे के हिसाब से मुश्किल नहीं कहा जाता, एवरेज अगर हम देखें उस सेंस में।